सेकेंड पॉइंट है अनगाइडेड मीडिया। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। हम लोग इसको क्या रिफर कर सकते हैं? वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल होंगे, ठीक है, वो किस टाइप के सिग्नल होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होंगे। ठीक है, इसको कोई भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल मीडियम जरूर होता है जिससे वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, वो फिजिकल मीडियम जो होता है एयर होता है। ठीक है, एयर होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी डेटा या फिर कोई भी ऐसा नेटवर्क हम लोग को बिना वायर के बनाना है, ठीक है, तो हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है वायरलेस। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे फीचर सबसे पहले देख लेते हैं। सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर। सिग्नल कैसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है यहाँ पे? एयर के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, एयर जो है वो फिजिकल मीडियम है। ठीक है, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तो वो एक फिजिकल मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जरूर बोल रहे हैं कि कोई फिजिकल मीडियम नहीं है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो, लेकिन एक्चुअली में एयर जो है हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है लेस सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योरिटी के मामले में अगर हम लोग वायरलेस सिग्नल्स को देखें तो सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। कमजोर मतलब क्योंकि ये एयर के थ्रू है, कोई भी बैठ के उस सिग्नल्स को कैच करके उसको हैक करके उसमें से जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो चुरा सकता है। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें से चेंजेस कर सकता है, या फिर हो सकता है नेटवर्क को हैक करके कुछ और एक्सेस करें। ठीक है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। थर्ड आता है यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे वायर नहीं पहुंच सकता, ठीक है, वहां पे हम लोग वायरलेस से काम करते हैं। ठीक है, वायरलेस जो है वो बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सकता है, जैसे हम लोग का मोबाइल जो टावर होता है। ठीक है, मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, जैसे BSNL का अगर हम लोग देखें तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, BSNL पूरे शहर में सिर्फ एक ही टावर लगाएगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग दूसरे कंपनी की बात करें, जियो एयरटेल, उन लोग छोटे छोटे एक ऑक्टागोनल नेटवर्क में काम करते हैं। ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, सस्ते डिवाइस, कम रेंज वाले डिवाइस लगाते हैं ताकि वो मैक्सिमम टावर लगा के मैक्सिमम एरिया कवर कर सके, लेकिन जो BSNL है वो वैसा नहीं करता। ठीक है, वो पुराने ही तरीके पे यूज कर रहा है आज तक, जैसे कि पूरे शहर में, पूरे सिटी में एक ही टावर लगा के सारा चीज उसी से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सिग्नल है वो लार्जर डिस्टेंस तक यूज किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या फिर मैक्सिमम हो गया तो 10 किलोमीटर, उससे ज्यादा कोई भी जो सिग्नल है वो ट्रेवल 100% स्ट्रेंथ में नहीं कर सकता। ठीक है, उसका सिग्नल जो है वो वीक होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस मेजर टाइप्स के यहाँ पे अनगाइडेड मीडिया होता है। देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। सबसे पहला है रेडियो वेव्स। दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। ठीक है, रेडियो वेव्स जनरली होता क्या है, ये 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज के बीच का एक फ्रिक्वेंसी वेव्स होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वेव मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड नॉट बी अलाइंड। ठीक है, इसको अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलाइन करना मतलब क्या होता है कि मतलब स्ट्रेट लाइन पे नहीं रखना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सिग्नल है वो एक सेक्टर में ट्रैवल करता है, मतलब कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग बोले। ठीक है, ऐसा जैसे मान लीजिए ये एक हमारा टावर है, वो ऐसे सिग्नल सेंड करेगा, ये सेक्टर में ये सिग्नल यहाँ से सेंड कर रहा है ऐसा। ठीक है, पीछे यहाँ पे सेंड नहीं करेगा, जिस तरफ एंटीना लगा
उसके सेक्टर में कुछ डिग्रीज के उसमें वो सेंड करते जाते हैं, ठीक है, सिग्नल जो है वो भेजते जाएंगे इस प्रकार से। तो वो क्या करता है, यहाँ पे हम लोग को अलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को जो एरिया मिल रहा है उसके बीच में अगर हम लोग अपना एंटीना रखेंगे तो वो कैच करेगा, ठीक है। तो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, ठीक है। एक ही डायरेक्शन मतलब जहां से रिसीव कर रहे हैं और जहां से सेंड हो रहा है, दोनों आमने सामने होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या रहती है, 3 किलोहर्ट्स टू 1 गीगाहर्ट्स की एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियोज पे काम करता है, ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे मॉड्यूलेशन किए जाते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये सारे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे AM और FM, ठीक है, जैसे FM रेडियो होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, रेडियो वेव्स में काम करता है। जैसे मान के चलो कि हम लोग के जो भी रेडियो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, जो आता है एक स्पीकर लगा होता है जिसमें, तो उसमें भी एक वायर लगा होता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं से जोड़ देते हैं, तो वो क्या है, एक फ्रीक्वेंसी कैच करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैच करता है और उसको वो जैसा भी उससे सिग्नल आता है वो जनरेट करके हम लोग को सुनाता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। बहुत पहले जमाने में डिजिटल नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो रेडियो जो होता था उसमें एक बड़ा सा एंटीना होता था, उसको लगाते थे, फिर वो जाके काम करता था। वो सारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम करता था, ठीक है। उस समय FM नहीं होता था, जैसे आकाशवाणी है, ठीक है। आकाशवाणी जो है वो आज के डेट में FM में चेंज कर दिया गया है। पहले के डेट में जो रेडियो होते थे काफी बड़े बड़े होते थे, ठीक है, उसमें कुछ कॉइल्स होती थी, कॉइल्स में एक पिन होता था, पिन को मूव किया जाता था, तो वो अलग अलग एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को कैच करता था, अलग अलग एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को कैच करता था। और सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे ही आता है, और सबसे ज्यादा पावर जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही यूज करता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग को कोई भी सिग्नल ट्रेवल करना है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल है, जैसे रेडियो है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे काम करता है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एक चीज बताता हूँ, जैसे हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो वहां पे ऐसे ऊपर ऊपर स्पीकर्स लगे होते हैं, वहां से कुछ ना कुछ वो बोलते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ चलते रहते हैं, या गाने चलते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो भी एक प्रकार का FM है, ठीक है। लेकिन वो FM जो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस कंट्रोल ही यूज करते हैं, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल जो होंगे उन्हीं लोग यूज करते हैं। वो भी एक प्रकार का वहां पे डिवाइस लगा होता है, वो पावर से कनेक्टेड होता है और उससे स्पीकर्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब उसको बैठ के कोई ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन कंट्रोल रूम में वहां पे दिन भर कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा रहता है जो उसको ऑपरेट करते रहेगा, ठीक है। और वही सिग्नल हर जगह कैच करता है, दुर्ग में भी होगा, मतलब हर, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो हर ट्रैफिक में सेम टाइप का ही बजते रहता है वो, ठीक है। सुपेले में चल जाओ, दुर्ग में चल जाओ, रायपुर में भी चल जाओ, सब में सेम बजेगा, ठीक है। तो ये जनरली रेडियोस या कॉर्डलेस फोन्स, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो हम लोग घर में देखते हैं एक कॉर्डलेस लैंडलाइन आता है, ठीक है, एक डब्बा रहता है उसके ऊपर रख देते हैं, फिर जैसे फोन आए हम लोग उठा के मोबाइल जैसे हम लोग उसमें बात करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार का वो भी रेडियो वेव्स ही होता है, ठीक है। जनरली जो हम लोग FM रेडियोज वगैरह सुनते हैं वो भी रेडियो वेव्स पे ही काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियो वेव्स जो है जनरली टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट्स में भी यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। सैटेलाइट्स में भी रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है सबसे दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग को अगर मंगल ग्रह, ठीक है, मार्स में अगर हम लोग को कोई डेटा भेजना है, क्योंकि हम लोग के इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स वहां पे अभी भी भेज के रखे हैं, 2-3 सैटेलाइट है जिसके थ्रू अलग अलग टाइप के डेटा वहां से सेंड होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो है सैटेलाइट जो है वो रेडियो वेव्स पे ही काम करते हैं, ठीक है।
जितना दूर तक ट्रैवल अगर हम लोग को करना होगा तो हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू रेडियो वेव्स का यूज करके हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इवन हम लोग एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी रेडियो वेव्स हम लोग भेज सकते हैं, इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और एक चीज ये है कि ये रेडियो वेव जो है किसी को भी नुकसान नहीं देता है कभी भी। ठीक है, किसी को भी नुकसान नहीं करता है, मतलब ये बिल्डिंग के अंदर भी पेनिट्रेट कर देता है, कैसे भी टाइप की बिल्डिंग हो, वो पूरी की पूरी लोहे की बनी हो, पूरी कितना भी स्ट्रांग बिल्डिंग हो, वहां तक भी ये रेडियो वेव्स जो है पहुंच जाता है, मतलब तो किसी के भी अंदर चले जाता है रेडियो। ठीक है, इस सिग्नल को रोकना जो है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का यहाँ पे गन गाइडेड मीडिया जो है माइक्रोवेव्स है। ठीक है, इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीना। फ्रीक्वेंसी रेंज इज 1 GHz टू 300 GHz। दीज आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, माइक्रोवेव जो होता है जनरली लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि एकदम लाइन बाय लाइन उसको अलाइन करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डीटीएच में देखते हैं, डीटीएच क्या होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन पे ही उसका एंगल वगैरह सेट करके वो सिग्नल को कैच करता है। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट क्या है, मतलब मान के चलो सैटेलाइट से हम लोग को माइक्रोवेव्स मिल रहा है, क्योंकि आजकल डीटीएच वगैरह जो है सैटेलाइट से ही सारा ऑपरेट होता है, तो सैटेलाइट की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन पे ही हम लोग क्या करते हैं, उस एंटीना को सेट करते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट में जब वो मिलेगा तभी वो सिग्नल कैच करेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर का, 1 डिग्री का भी इधर उधर हुआ तो वो सिग्नल कैच नहीं करता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो होता है जनरली सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपरली अलाइन, प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। ठीक है, जनरली मोबाइल फोन्स जो होते हैं उसमें भी होता है, हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा मोबाइल है कैसे भी उल्टा पुल्टा पड़े रहता है फिर भी सिग्नल आता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो ओमनी डायरेक्शन में अपना एंटीनास को सेट करके रखते हैं। ओमनी डायरेक्शन मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा, चारों तरफ वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और हम लोग का मोबाइल कैसे भी रखो उल्टा पुल्टा सभी डायरेक्शन से वो कैच करेगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो होता है जनरली हीट पैदा करता है। ठीक है, पहले के अगर हम लोग मोबाइल फोन की बात करें, ठीक है, नोकिया के जो मोबाइल फोन आते थे, एलजी के मोबाइल फोन आते थे, 1G 2G पे जो काम करते, सिर्फ कॉलिंग के लिए एसएमएस के लिए जो यूज होता था, ठीक है, उसमें हम लोग को पता था कि अगर उसमें हम लोग 1 घंटा बात करेंगे तो मोबाइल अंगार जैसे वो तपने लगेगा। ठीक है, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता था इसी कारण। ठीक है, तो वो क्या है, हीट सबसे ज्यादा जनरेट करता था। और माइक्रोवेव जो है वो जैसे कि हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव जो यूज करते हैं उसके अंदर जो कॉइल्स लगे रहती है, वो कॉइल्स जो है माइक्रोवेव सिग्नल ही ट्रांसमिट करती है ओमनी डायरेक्शनल में उसी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हीट जनरेट होती है और हीट से ही वो खाना पकता है। ठीक है, तो वहां पे माइक्रोवेव सिग्नल का यूज किया जाता है, सेंसिटिव सिग्नल होता है। ठीक है, वो दूर तक ट्रेवल करता है, अगर हम लोग उसी को कंप्रेस कर दें, ठीक है, उसी को कंप्रेस अगर कर दें तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में वो हीट जनरेट करने लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग बहुत दूर तक ट्रेवल कराएंगे तो बिल्कुल हीट का पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअल में वो डिवाइस जो है काफी हीट जनरेट करता है। ठीक है, इसीलिए जो ये माइक्रोवेव होता है वो बारिश में, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का मौसम हो, वो पेनिट्रेट करके हमारे डिवाइस तक पहुंच जाता है। इसीलिए जब हम लोग 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल यूज कर लेते हैं, लगातार हम लोग कॉल्स पे रहते हैं, तो वो क्या करता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सिग्नल लगातार ले रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है, तो वो डिवाइस तो छोटा सा लगा हुआ है, उसके अंदर जो चिप लगी होती है कॉलिंग के लिए अलग से चिप होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हीट हो जाती है उसमें, क्योंकि हीट क्या है, थोड़ा वो तो ट्रांसफर होगा इधर उधर। ठीक है, तो वो क्या है, हीट कर देता है। और जनरली ये सिग्नल जो है मोबाइल फोन कम्युनिकेशन और टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेलीविजन में जैसे डीटीएच है, ठीक
ठीक है, आज के डेट में पूरा सिग्नल जो है डीटीएच से ट्रैवल होता है, ठीक है। मतलब जो टेलीविजन की अगर हम लोग बात करें, मोबाइल फोन में भी हम लोग 4G टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए, तो यहाँ पे भी जो कॉलिंग्स होती है, ठीक है, वो जनरली वोल्टी के थ्रू होती है, ठीक है। वॉइस ओवर एलटी मतलब वो डेटा पे काम करता है, ठीक है। अगर डेटा हमारे पास नहीं रहेगा तो कॉलिंग नहीं लगती है, यही एक कारण है, ताकि जो इस सिग्नल का यूज है वो सबसे ज्यादा कम कर सके, ठीक है। जब से 4G नेटवर्क आया है, माइक्रोवेव का सिग्नल जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। कम रेंज पे काम करता है, कम फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है, ठीक है। आने वाले दिनों में 5G लॉन्च होने वाला है, जस्ट कुछ दिन में लॉन्च हो ही जाएगा, शायद 1-1.5 महीने में, ठीक है। तो उस समय माइक्रोवेव जो है वो टोटल खत्म किया जाएगा और यहाँ पे कोई दूसरा सिग्नल यूज किया जाएगा, ठीक है। अब क्या सिग्नल है वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो थर्ड टाइप का यहाँ पे इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स, दिस प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम्स, फ्रीक्वेंसी रेंज इज 300 GHz to 400 THz, ठीक है। इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंफ्रारेड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 300 GHz से 400 THz तक ये जाते हैं, और काफी जनरली एक छोटी सी एलईडी होती है वो इंफ्रारेड रेज जनरेट करती है, ठीक है। एलईडी टाइप का ही होता है, वहाँ पे एक डायोड होता है, डायोड के थ्रू एक सिग्नल जनरेट किया जाता है जो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, मुश्किल से 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, या फिर मैक्सिमम हो गया तो 10 मीटर, उससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो जनरली इस टाइप का जो सिग्नल्स है वो टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो कीबोर्ड माउस वगैरह लगाते हैं वो इंफ्रारेड से ही काम करता है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक हम लोग उससे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 मीटर 4 मीटर तक ही हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स वगैरह में होता है, आज के डेट में ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है हम लोग को टीवी में, या फिर ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट क्या करता है, वो भी एक इंफ्रारेड का यूज करता है, लेकिन उसको वायर के थ्रू ट्रेवल कराता है। वो इस टाइप का एक वायर रहता है, ऐसा टाइप का एक वायर होता है, उसमें से इंफ्रारेड सिग्नल जाती है। इंफ्रारेड सिग्नल जो है वो क्वालिटी जो उस साउंड की देती है, वैसी क्वालिटी आज तक किसी भी वायर के थ्रू भी नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्टिकल की जो ऑडियो क्लियरिटी रहती है बहुत ज्यादा हाई रहती है, और वो डेटा जो है बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, क्योंकि वो लाइट के थ्रू करता है, ठीक है, क्योंकि वो लाइट के थ्रू करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ जो है 400 THz के ऊपर काम करता है, ठीक है। ब्लूटूथ जो है सबसे सेफेस्ट सिग्नल है आज आज तक, ठीक है। सबसे सेफेस्ट सिग्नल होता है, ठीक है। मतलब ना हीट जनरेट करता है, ना हार्मफुल है, ना कुछ भी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी हेडफोन्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, हेडफोन्स देखते हैं, या फिर हम लोग कुछ कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, तो वो जनरली ब्लूटूथ पे काम करती है। ब्लूटूथ आज के डेट में वर्जन्स में डिवाइड हो गया है, 5.2.0 से लेके 3.0, 3.5, ठीक है, 4, 5, अभी 6 भी आने वाला है, ठीक है। तो ब्लूटूथ को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन में किया जा सके। पहले क्या होता था, या तो सिग्नल ट्रांसमिट करता था, ठीक है, या तो रिसीव करता था, दोनों में से कोई एक काम करता। आज के डेट में जो वर्जन आ गए 5.0, इसमें टू वे कम्युनिकेशन और मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी भी दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लूटूथ जो है वो सबसे सेफेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये ब्लूटूथ जो है वो बहुत कम डिस्टेंस पर काम करता है, मैक्सिमम 10 मीटर। 10 मीटर में इसका सिग्नल वीक हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसे सिग्नल को नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका सिग्नल अलग ही होता है। मतलब इसको ना कॉपी किया जा सकता है, ना इसको रिपीटर के थ्रू बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये रीजनरेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बार ये सिग्नल जनरेट करता है, क्योंकि ये पेयर करता है, मतलब कुछ एक आईडी के थ्रू वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो मल्टीपल डिवाइस में उसकी आईडी नहीं डाल सकते, ठीक है। ब्लूटूथ को हमेशा पेयर करना पड़ता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो कुछ आईडी के थ्रू, एक आईपी एड्रेस टाइप का कुछ आईडी रहता है, उसके थ्रू ही वो डेटा ट्रांसमिट कर पाते हैं,
जब वो दोनों कनेक्ट होंगे तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये भी जनरली एक प्रकार का रेडियो वेव्स ही होता है। ठीक है, रेडियो वेव्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतने मेजर टाइप के वेव्स होते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है, इतने प्रकार के सिग्नल से हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली चला सकते हैं, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं।